तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रमोद प्रेमी जी के गाने पर मिक्सिंग करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, और कुछ इतना मैंने मिक्सिंग किया है। और ये जो गाना है, ये गाना है ओठ चाटू ये पिया ओठ चाटू गलिया जनी काटू हे। ये जो नया सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और इसमें जो पैटर्न ये जो चल है, ओठ चाटू ये पिया ओठ चाटू गलिया जनी काटू हे, यही पैटर्न मैंने बनाया है। और इस पैटर्न को बनाने में मेहनत लगा है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा दूं कि ये कैसा पैटर्न बना है, ठीक है। केवल मैं इसी पैटर्न को सुनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको शुरू से फिर से पैटर्न को बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो सुन लीजिए पहले इस पैटर्न को। तो आपने सुन लिया होगा कि कुछ इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको न्यू ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम न्यू करेंगे, इम्पिटी ले लेंगे, और इसका जो बीपीएम है वो 45 है। तो चलिए पहले 45 यहाँ पर सेट कर देते हैं। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, लेकिन वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आप सीख सकते हैं इस प्रकार का पैटर्न बनाना। चलिए गाने को ले लेते हैं। बीपीएम हो गया, क्या करेंगे इसको थोड़ा काट लेते हैं, और यहाँ पर हम पहले सेट कर लेंगे इसका बेस। सेट हो गया, इसको सेट कर देंगे, लंबा कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक हटा लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से हटा सकते हैं, जिसे मैं हटा रहा हूँ उसे भी आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। मैं बेस काट दे रहा हूँ, हो गया। थोड़ा साउंड को मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर लूँगा, हो गया मिक्सर से। अब यहाँ से पैटर्न बना लेंगे, किक को ले लेते हैं। चलिए, और ड्रम्स को, एक ड्रम्स ये रहा और एक और ड्रम्स ले ले रहा हूँ, ये रहा दूसरा ड्रम्स। इस दोनों ड्रम्स को मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो हमने ले लिया है, ठीक है। अब किक को लगा देंगे 4 स्टेप कॉपी करके, और इसको हम इसमें बना लेते हैं एक पैटर्न। हेटर्स को लगाएंगे, ढोल को लगा लेंगे, जैसे सभी सॉन्ग में लगाया जाता है। मैंने लगा दिया, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, और ये आगे तक चलता रहेगा। अब जहाँ तक जाता है इसको लेते जाएंगे, और साउंड को मैं थोड़ा कम ही रखूँगा क्योंकि कॉपीराइट की वजह से। देखिए यहाँ से चेंज चेंज हो रहा है, तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। पहले सुन लेते हैं केवल पैटर्न को ही, इसको डिलीट कर लेते हैं, और इसको भी डिलीट करेंगे। यहाँ पर हमारा पैटर्न गिर रहा है, देखिए तो हो गया। और यहाँ पर कुछ अलग तरीके से पैटर्न लूप्स चल रहा है, तो इसको लगाएंगे। तो चलिए उसको ले लेते हैं, लूप्स को ही एक, आप लोगों के पास जो भी होगा वो लगा लीजिएगा। जो हमने यही लगाया था, तो इसी को लगा लेते हैं इसमें। साउंड में कम ही कर देता हूँ, दिक्कत हो रहा है क्योंकि इस पे पहले मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किया था, पर कॉपीराइट की वजह से दिक्कत होने लगा, तो मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। यहाँ से इतना काट देंगे,
और वही पहला ही पैटर्न चलेगा, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको पैटर्न कुछ अलग तरीके से बनेगा। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है, देख लीजिए, और फिर से कॉपी कर लेंगे आगे तक, इसको लेते जाएंगे जहाँ तक चलेगा, क्योंकि मैं आपको बता ही दिया साउंड इसलिए कम किया हूँ कि कॉपीराइट ना आए। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ये एडिट करेंगे, ढोल है, इसको कुछ इस प्रकार से इधर लगा देंगे क्योंकि कुछ इस प्रकार से यहाँ चल रहा है, और की को यहाँ पर डाल देंगे एक फर्स्ट लास्ट में। देखिए यहाँ पर चलिए बनाएंगे पैटर्न यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से ले लेंगे ढोल को, है ये, यही ढोल है, ठीक है, ये भी ढोल है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे, यहाँ पर देखिए झनकार कहाँ कहाँ पर लगाना है। और एक चीज़ और ले लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वेव लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई आप टर्म ले लीजिए अपने माई फाइल में, मैं यहाँ पर बना कर रखा हूँ तो यहाँ से ले लेता हूँ टर्म, इसको मैंने ले लिया। पहले तो आपको सुनना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा मैं बढ़ा दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप सुन लीजिएगा, उसी प्रकार से बनाना है। तो चलिए यहाँ से मैं कुछ बना लेता हूँ, देखता हूँ, देख लीजिए यहाँ पर लकीर इसका दिखाई दे रहा है, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो लकीर को ही देख कर आप बनाइएगा, लकीर को मैंने देख कर बना लेता हूँ, देख लीजिए, देख लेते हैं, ठीक है, बैठा है अच्छी तरीके से, देखिए। आप समझ गए हैं, कुछ इस प्रकार से बनाना है, यहाँ पर देखते हैं लगाकर इसको भी, ये हो चुका है। अब इसके नीचे हम घुंघरू लगाएंगे, अब देखते हैं कहाँ पर घुंघरू लगाना है, सुन लीजिए। वो हमको लगाना है एक यहाँ पर, क्या एक क्या, ये तो हुक्स है, घुंघरू देखते हैं इसमें होगा, तो घुंघरू इस प्रकार से लगा लीजिए ढोल के नीचे, देख लेते हैं। यहाँ पर एक डाल देते हैं घुंघरू, घुंघरू ये रहा, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक टर्म का यूज करेंगे, तो इस टर्म को यहाँ पर लगा देंगे, और टर्म में थोड़ा हम देख लेते हैं, कहाँ से सही रहेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर डाल देते हैं, अच्छा रहेगा, हो गया। इसमें कुछ बनाएंगे तो चलिए बना ही लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर चुम्बक आइकन पर क्लिक करेंगे और 1/3 सेटअप लिखा हुआ है, इसके अंदर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद से इसको लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको हटा देंगे,
और इसको हिट हट्स को देख लेते हैं। ठीक बचता है, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिएगा, और क्या करना है हमको, यहाँ से इसको काट देना है, यहाँ से काटना पड़ेगा आपको। इसको काट दिए और हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इतना ही कॉपी कर लेते हैं जितना हमने काटा है, वहीं से चलेगा। अब इस सभी को पेस्ट कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे अब, इस पर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से बना लेते हैं सूपी पैटर्न को, कॉपी करेंगे की के यहाँ पर लगा देंगे। देखिए एक यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, दो किक्स, ये हो गया, एक काम तो हो गया। और इसमें से एक इसी पैटर्न को हम कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट वाला, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको कुछ इस प्रकार से देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ एडिट करेंगे, तो कौन सा एडिट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एडिट पे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पर लगा देते हैं। इसको हमको हटाना होगा, इसको नहीं देखते हैं कौन सा हटाना होगा। इनको देखते हैं हटाकर, ये नहीं है, कौन सा, ये वाला जो पैटर्न है ना, एक यहाँ पर से इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इनको इतना पर लगा देंगे, इनको हटा देंगे और इनको ऊपर कर देंगे इसमें, इसमें देखिए हो गया, देख लेते हैं। ठीक है, इस पर लगाएंगे, यही पैटर्न चलेगा, ये सही रहेगा, थोड़ा हार्ड है। और हुक्स को थोड़ा लगा देंगे इसमें, कहाँ लगाना है हुक्स, और हीट हेड से लगाना है इसके नीचे, किक के नीचे। तो यहाँ पर झनकार लगा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एक यहाँ पर हमने लगा दिया, देख लेते हैं, इतना काट देते हैं। और एक यहाँ पर लगा देंगे ढोल, देख लीजिए, यहाँ पर हुक्स को लगाएंगे इसके अंदर, इसको लगा देते हैं। आप सुनिए, ये हमारा बन चुका है एक पैटर्न। फिर कॉपी करेंगे, आगे तक लेते जाएंगे। चलिए, ये हमारा बन चुका है दूसरा पैटर्न। चलिए अब इसको प्ले करेंगे। देखिए हो गया, अब देखिए, अब यहाँ से हमारा ये दूसरा पहला पैटर्न चला है, तो इसको चला देंगे। तो इसमें कोई बात बड़ी बात नहीं है, यही जो भी हमने पैटर्न बनाया था, इतना ही पैटर्न से आप अब मिक्सिंग कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो पैटर्न हमने क्रिएट किया है इसमें, तो ये पैटर्न तो आपने जान ही लिया कैसे मैंने क्रिएट किया। इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, और ब्रेक की बात है तो ब्रेक में आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे इसमें इसका ब्रेक बना सकते हैं। इसका ब्रेक भी बहुत ही मेहनत से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।